अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सौरभ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल करेले। बहुत मज़े की बनती है ये वाली डिश, बहुत आसानी से बन जाती है। तो आइए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, चने की दाल करेले। आइए जी व्यूअर्स, 1 किलो मैंने चने की दाल ली है। चने की दाल को मैंने इसके अंदर कुछ नहीं डाला, इसके अंदर मैं 1/2 टेबल स्पून नमक का डाल दूंगी और मैंने इसको बॉयल होने के लिए रखी हुई है। ये बॉयल हो रही है। दूसरी साइड पे मैंने करेले लिए हैं। करेले मेरे पास 5 अदद करेले थे, उसके मैंने बीज निकाल दिए। अब इसको मैं घी के अंदर फ्राई कर रही हूँ करेलों को। करेलों को फ्राई करके हमने इसको निकाल लेना है। करेले फ्राई हो चुके हैं, करेलों को मैं अब निकाल लूँगी। ये देखें, हमने जितने फ्राई करने थे बस इसी कलर के होने चाहिए। अब मैं करेलों का निकालने लगी हूँ। सारे करेले हम निकाल लेंगे। करेले मैंने सारे निकाल लिए हैं। 1 बड़ा मग मैंने घी का लिया था, क्योंकि चने की दाल जो होती है उसको घी ज़्यादा लगता है। करेले मैंने निकाल लिए हैं। मेरे पास 2 अदद प्याज थे, प्याज को मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। ये प्याज भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और हम इसका मसाला तैयार करेंगे। हल्का सा हमने इसको नरम करना है। प्याज को मैंने जितना नरम करना था नरम हो चुका है। आधी गठी मैंने लहसुन की और 1 इंच का अदरक लिया है। इसको मैंने बारीक बारीक का चॉप कर लिया, लहसुन को बारीक बारीक मैंने अदरक काट लिया। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 मिनट के लिए हम इसको भी साथ फ्राई करेंगे ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। एक मिनट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 अदद टमाटर और 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं। कुछ हरी मिर्चों को मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है इस तरीके से, और कुछ हरी मिर्चें मैंने थोड़ी बड़ी काटी है। कुछ छोटे साइज़ में, कुछ बड़े साइज़ में हरी मिर्चें काटनी है। ये मैंने 8 अदद हरी मिर्चें ली थी, ये मैंने सारी इसके अंदर डाल दी हैं। इसको भी हम साथ हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ में इसके मसाले डालती जाऊँगी। 1.5 टेबल स्पून नमक का। चने की दाल में मिर्चें ज़्यादा डलती हैं, इसलिए इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून मिर्चों का डाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास 1 किलो चने की दाल है। 2 टेबल स्पून मिर्चों के डाल दिए हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर डाल दूँगी। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। ये मैंने 1 कप पानी का लिया है। ये मैं इसके अंदर 1 कप मैंने पानी का डाल दिया है और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि इसका मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। जी व्यूअर्स, ये देखें मसाला तैयार हो चुका है। मसाले को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। घी बिल्कुल ये देखें अलग हो चुका है। इस टाइम आकर हमने जो चनों की दाल बॉयल की है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। फ्लेम को हम थोड़ी देर के लिए लो कर देंगे। ये सारी दाल मैं इसके अंदर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दाल को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें दाल को हमने बिल्कुल इतना नहीं गलाना है, बस इतना रखना है कि ये इस तरीके से हो जाए, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैं दोबारा हाई कर दूंगी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा जो पानी था वो साथ ही इसके पक जाएगा। अगर हम पानी को जल्दी नहीं सुखाएंगे तो अगर दाल हमारी फिर ज़्यादा गल जाएगी और वो सही नहीं रहती। काफ़ी हद तक दाल का पानी खुशक हो चुका है। मैंने इसको 5 मिनट के लिए, इसका पानी खुशक करने के लिए फ्लेम को हाई कर दिया था। अब इसका पानी ये देखें काफ़ी हद तक खुशक हो चुका है। अब इस टाइम आकर मैं इसके अंदर जो करेले मैंने फ्राई किए थे वो डाल दूंगी और फ्लेम को मैं लो कर दूंगी। ये करेले मैं इसके अंदर डाल दूंगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स करूंगी। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर कवर दे दूंगी और इसको 10 मिनट के लिए दम लगा दूंगी। फ्लेम को मैंने लो कर दिया। जी व्यूअर्स, दाल हो चुकी है। 10 मिनट के लिए मैंने इसको दम लगाया था। 10 मिनट दम आ चुके हैं। दाल बहुत मज़े की बनी है। आप भी इसी रेसिपी के साथ दाल को बनाएं, बहुत मज़े की बनती है।
फ्लेम को इस टाइम आकर मैं ऑफ कर दूंगी। जी व्यूअर्स, मैं आपको दाल चेक करवाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी बनी है दाल, गर्मा गर्म धुएं निकल रहे हैं दाल से। दाल बहुत अच्छी बनी है, स्पाइसी बनी है, बहुत मज़े की बनी है दाल। इसी रेसिपी के साथ आप घर में बनाएं, मेरी वीडियो को देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और मुझे सब्सक्राइब भी किया करें, बेल आइकॉन का बटन दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।